हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टार्ट। कैसे हैं आप सब? आज का जो हमारा वीडियो है वो है ऑल इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके ऊपर ही क्विज है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खास करके एनटीपीसीएस एग्जाम में। इस पे कई जो एनटीपीसी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उसमें कई क्वेश्चन आए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन क्विज। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ से क्या एसोसिएटेड नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। पहला है आईएलओ, दूसरा है एशियन, तीसरा है डब्ल्यूएचओ और ऑल ऑफ द अबव की कोई भी एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एशियन। एशियन इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूएनओ के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन उससे एसोसिएटेड है बट एशियन नहीं है, ठीक है। यूएनओ को फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और एशियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो भी है उनका एक एसोसिएशन है, जो अपने इंडिया के आसपास जो पड़ते हैं देश, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में, इसलिए वो यूएनओ का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, परमानेंट सेक्रेटरिएट टू कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्क प्रोग्राम इज लोकेटेड एट। कुल मिला के आपसे सार्क का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपसे पूछ रहा है। ढाका में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, मनीला फिलीपींस में है या काठमांडू में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है काठमांडू, नेपाल काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईयर 1995 इज द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो 1995 में किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल्डन जुबली बनाया था, यानी कि उसको गठित हुए 50 साल हो गए थे, ये आपको बेसिकली बताना है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या आरबीआई, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएनओ, क्योंकि यूएनओ आपको पता होगा कब बना था, 1945 में, आफ्टर दी वर्ल्ड वार टू, ठीक है। आरबीआई आपको पता होगा 1935 में बना था, ठीक है। आरबीआई का बना था, आरबीआई बना था 1935 में, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनिक्टाड जिसे बोलते हैं, इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, है ना, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है यूनिक्टाड का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिनेवा में, जिनेवा में यूनिक्टाड का हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है या प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, किसके लिए है ये? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। देखिए, सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज इन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस समय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है। कहाँ पे चल रही है, अमेरिका में चल रही है और नरेंद्र मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर वहीं गए हुए हैं, ठीक है। 3 दिन की बैठक है वहां पे। अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं हमारा तो उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल बताया हुआ है उसके ऊपर। चलिए, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ऑफिस कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, यूएस में, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, रोम में है या पेरिस में है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, पेरिस, फ्रांस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिसाइड्स यूके, यूएसए, जर्मनी एंड जापान, द G7 कंट्रीज इंक्लूड्स। G7 में और कौन कौन सी कंट्रीज है, G7 एक 7 कंट्रीज का ग्रुप है आपको पता होगा, ठीक है। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, देखिए चार तो इसने खुद ही बता दी, यूके, यूएसए, जर्मनी एंड जापान। पूछ रहा है अगली 3 और कौन कौन सी है, तो ऑप्शन में है कैनेडा, फ्रांस, रशिया, फ्रांस, नीदरलैंड, रशिया, कैनेडा, फ्रांस, इटली या कैनेडा, इटली, नीदरलैंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैनेडा, फ्रांस, ठीक है। ये है बाकी के 3 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FAO, जिसे इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है,
ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोम, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, सार्क का मेंबर नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि सार्क के आपको कंट्रीज अगर याद होंगी तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। इसके जो ऑप्शन है वो है बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या अफगानिस्तान, ठीक है। आप गैस मार सकते हैं, गैस मारने के यहाँ पे कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए खुद से ही क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद इसके आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। देखिए सार्क में, सार्क के जो नेशन है वो कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो इसमें से कौन सा नहीं है, म्यांमार नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और इस सार्क बना कब था, 1985 में बना था। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, बिना लाइक के नहीं जाना है, ठीक है। लाइक करने से हमें अप्रिसिएशन मिलता है ऐसे वीडियो आपके लिए और लाने का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फाइव परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पांच परमानेंट मेंबर हैं, उनके आपसे नाम पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है, एनटीपीसी में तो कई बार रिपीट हुआ है, एसएससी में भी कई बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर करें, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आंसर ए, कौन कौन सी परमानेंट कंट्रीज है, चाइना है, फ्रांस है, यूएसएसआर है, यूके है और यूएसए है, ठीक है। कौन कौन सी है, चाइना, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके एंड यूएसए, ठीक है। इंडिया कई बार कोशिश कर चुका है यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का, बट चाइना हमेशा टांग अड़ा देता है बीच में और वीटो पावर का यूज करके हमेशा इग्नोर कर देता है, उसको बनने नहीं देता है। और जबकि जब चाइना की बारी आई थी तब इंडिया ने उसको सपोर्ट किया था, फुल तरीके से उसके लिए वोट किया था, लेकिन अब चाइना गद्दारी दिखाता है। जब भी इंडिया अप्रोच करता है इसके परमानेंट मेंबर बनने की, चाइना वीटो पावर का यूज करके वोट नहीं देता इंडिया को कभी भी, ठीक है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड, आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये पूछा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे आपको पता होगा इंडिया में दो कोर्ट होते हैं मेनली, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर उससे ऊपर भी कोई कोर्ट है जिसमें इंटरनेशनल मामलों की सुनवाई की जाती है, ठीक है, वो कहाँ होती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछ रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, द हेग, द हेग में आईसीजे का हेडक्वार्टर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, हर किसी को याद नहीं रहता है। इसका जो आंसर है वो है वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है, यूरोप की एक कंट्री है वियना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया सॉरी, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना, उसमें है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस इज सिचुएटेड इन, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जिनेवा, जिनेवा में रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है। क्या आपको पता है कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को, 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे, ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का हमने देखा था हेडक्वार्टर कहाँ पे था, पेरिस फ्रांस में था, तो उसकी वर्किंग लैंग्वेज पूछ रहा है कि कौन सी है वर्किंग लैंग्वेज यूनेस्को की, ठीक है। तो उसके ऑप्शन है फ्रेंच ओनली, इंग्लिश ओनली, फ्रेंच एंड इंग्लिश, इंग्लिश, फ्रेंच एंड रशियन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्रेंच एंड इंग्लिश आर दी लैंग्वेजेस ऑफ यूनेस्को, ठीक है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारी एग्जाम्स कार्ट ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, आप एग्जाम्स का टाइप कीजिएगा, वहां पे आप जाना, इसको इंस्टॉल कर लेना इस ऐप को, और उस ऐप में आपको स्टेटिक जीके के पोर्शन में आपको ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उनके हेडक्वार्टर्स उसमें बहुत डिटेल में दिए हुए हैं, तो उसको आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।